हैदर अब्बास रिजवी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुबारक हो आपको 14 नशिस्तें जीतने पर, मुतमईन हैं आप? वालेकुम अस्सलाम पारस पारस, बहुत शुक्रिया आपका। अल्हम्दुलिल्लाह, एमक्यूएम का जो मैंडेट 2018 में ताकत की बुनियाद पर छीना गया था, जी आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना मैंडेट वापस हासिल करने में कामयाब हो गए हैं और कराची के अवाम का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतने भारी मैंडेट से एमक्यूएम को ये तारीखी फतह एक बार फिर दिलाई है। अच्छा सर, कोई हुकूमत का हिस्सा बनने जा रहे हैं आप? क्योंकि अब से कुछ देर पहले जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की थी तो उन्होंने ये कहा कि अब हम तमाम जमातों को दावत देंगे, तो अगर आपको दावत दी जाती है तो क्या उसको कबूल किया जाएगा, हुकूमत का हिस्सा बनेंगे? देखिए, मेरे ख्याल से हमने जो अपनी हुकूमत में शमूलियत की शराइत पाकिस्तान की 5 ही सियासी जमातों के सामने रखी थी गुज़िश्ता 2 महीने पहले, और हम आईनी तरमीम चाहते हैं कुछ, और नून लीग ने उसको एक्सेप्ट किया था और उसको अपने मंशूर का पार्ट भी बनाया है। तो जी अब देखते हैं कि गुफ्तगू आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह, सर, तो वही शराइत यकीनन होंगी या कुछ उसमें मजीद शराइत ऐड भी हो सकती हैं? क्योंकि फिर आप लोग देखें गिला शिकवा करते रह जाते हैं कि वो शराइत तय हुई थी, कहा था मानी जाएंगी, लेकिन हमारी सुनी नहीं जा रही। देखिए पारस, जो कदरे छोटी जमातें होती हैं ना, वो और क्या कर सकती हैं अगर लोग अपने वादे से मुकर जाएं और दस्तखत करके भी धोखा दें। अब आप सोचिए कि इमरान खान साहब के साथ जो एमक्यूएम का अग्रीमेंट हुआ था उसमें जी अब अगर सदर पाकिस्तान ही अपने वादे को ऑनर ना करे तो हम कहाँ जाएंगे। सर, एक जमाने में आपकी बड़ी दहशत होती थी, आप कह रहे हैं छोटी जमातें क्या कर सकती हैं, ऐसे तो ना करें, आपको तो नहीं ये बात करनी चाहिए। देखिए, अगर तो आप हमें वापस उन्हीं रास्तों पर देखना चाहती हैं और आप चाहती हैं कि हम उन्हीं रास्तों पर चल पड़े, तो वो एक अलग बात मैं है। हैरान तब्दीली पे हूं, लेकिन ये मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े डिसहार्टेड हैं। वो कह रहे हैं हमने, मैंने कहा कि अब तो देखें तासुर है कि एमक्यूएम तब्दील हो चुकी है, अब वो ठप्पे वाली एमक्यूएम नहीं है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है इतने सबूत अपने। कौन नहीं मानने को ये तैयार है? कादर मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के, जो के अगेंस्ट लड़े मुस्तफा कमाल साहब के, और बड़े सबूत लेके बैठे हुए, 242 से कंटेस्ट किया था इन्होंने। हाँ बिल्कुल, इनके पास तमाम रास्ते खुले हुए हैं कि ये बिल्कुल उसको कंटेस्ट करे और पूरे दिल के साथ कंटेस्ट करे ना उसको। बिल्कुल अच्छी बात है, कंटेस्ट करना चाहिए, इनको जरूर करना चाहिए। वो कह रहे हैं बैलेट पेपर जो, बैलेट बॉक्सेस जो हैं वो कुछ खुले हुए थे और बैलेट पेपर्स भी बहुत सारे लेके बैठे हुए हैं अपने पास के, इसके ऊपर पहले से ठप्पे लगे हुए थे। मैंने कहा कि ये वो एमक्यूएम नहीं है ठप्पों वाली, ये नई एमक्यूएम है, बानी से देखिए, ताल्लुक भी हमें खत्म जरूरत है। नहीं है ना, हमें जरूरत नहीं है इतने भारी मैंडेट के बाद, मगर अगर इनको वाकई यकीन है कि इस तरह सब कुछ है तो इनके पास तमाम आईनी कानूनी रास्ते तो खुले हुए हैं। ठीक, अच्छा सर, एमक्यूएम को शिकायत है कराची में धांधली की, और अगर है तो किससे शिकायत है और किस देखिए, तरह की है? मैं भी अर्ज करूं आपसे कि इलेक्शंस में अब चाहे कोई माने ना माने, मगर बहुत सारे इश्यूज ऐसे होते हैं जो ना समझ में आते हैं ना कंट्रोलेबल है। मिसाल के तौर पर मेरा अपना पोलिंग स्टेशन जहां मेरे घर का वोट है, जी आखिर वक्त तक तो मेरे पास जो पोलिंग स्कीम थी उसमें मेरे बिल्कुल मोहल्ले में पोलिंग स्टेशन बनता है गुज़िश्ता 10 साल से, 15 साल हम वही वोट डालते हैं। जी सुबह जब वोट डालने निकले तो पता चला कि वो वोटिंग जो पोलिंग स्टेशन था वो किसी और पोलिंग स्टेशन में मर्ज हो गया। वजह पूछी कि भाई ऐसा क्यों हुआ, तो पता चला कि जी स्टाफ कम आया था। अब इस तरह की सिचुएशन जो है, जो इलेक्शन कमीशन के साथ, अब उस वक्त सिर्फ मैनेजमेंट का टाइम होता है कि मेरी फैमिली जांच करनी है, मुझे वोट कास्ट करना है, मैं क्या करूंगा कि जाकर सिवाय इसके के अगले पोलिंग स्टेशन में ढूंढ के लाइन में लग जाऊं। मैं लग गया, मेरा वोट 15 मिनट में काउंट हो गया। बेगम मेरी बेटी, मेरी भावज, उसको 2.5 घंटे लग गए उनको उस जी पोलिंग स्टेशन में। ठीक, इस तरह की चीजें होती हैं और राइट। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम भी रख के बैठे हैं। वो क्या है,
मगर जब वक्त आएगा तो वो जरूर निकाल के सामने रखेंगे। सर आपने कहा वक्त आएगा तो निकाल के सामने रखेंगे, एक आखिरी बात ये कि फिर नून लीग अगर हुकूमत बनाती है तो उसके साथ शामिल होंगे या फिर अभी पहले अपनी शराइत रखेंगे, उस पे बात होगी उसके बाद फैसला होगा? देखिए बातचीत तो जाहिर होती है पारस, इतना मतलब अभी तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन एक बड़ा मरहला है, इंडिपेंडेंट इतनी बड़ी तादाद में जीते हैं जी, और जब वो जीत गए हैं तो ऐसी सूरत हाल में गवर्नमेंट फॉर्मेशन, गवर्नमेंट का ऊंट किस करवट बैठेगा? अभी कुछ हतमी तो है नहीं, तो जब चीजें कुछ खुलकर सामने आएंगी और मामला जरा साफ होंगे तो इंशाल्लाह फिर देखेंगे कि क्या करना है। आपके लिए तो विन विन सिचुएशन ही रहती है, MQM का तो आपको पता है वो हुकूमत में आना जाना भी लगा ही रहता है, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन होगी। हर सियासी जमात हुकूमत शादी के लिए ही इलेक्शन लड़ती है। बिल्कुल, वैसे सिंध में पिछले 13 साल से हम ऑपोजिशन नहीं है। ठीक कह रहे हैं। हैदर अब्बास रिजवी साथ MQM के सीनियर रहनुमा हमारे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया। MQM पाकिस्तान।